अंडे पर इस वक्त की बड़ी खबर थाना सिदौली इलाके से मिल रही है। बीती 27 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके बाद आज सिदौली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। क्या है यह पूरा मामला, इस तमाम जानकारियों के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अंडे के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं, क्या है यह पूरा मामला? जी फरमान, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके के बनियानी गांव का है, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें युवक जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी सोशल मीडिया पर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। और इस मामले में आपको बता दें कि युवक बेखौफ होकर ये भी बोल रहा था, जब ये वीडियो उसका बनाया जा रहा था, जब वो तिरंगे का अपमान कर रहा था तो उसने ये भी कह रहा था, जाओ जिसको दिखाना है दिखा दो, कोई क्या कर लेगा। अब आपको पूरा मामला बता दें कि ये बीती 27 अगस्त का मामला है फरमान, और सीतापुर की सिदौली कोतवाली इलाके का रहने वाला अंकित रैदास पुत्र स्वर्गीय हरिलाल गौतम, वो तिरंगे पर पैर रखकर बैठा हुआ था राष्ट्रध्वज पर, और उस पर हरे रंग का कोई पदार्थ भी रखे हुआ था, जिसको लोग गांजा बता रहे हैं, मादक पदार्थ बता रहे हैं। और जब लोगों ने इसका वीडियो बनाया तो बेखौफ होकर ये कह रहा था कि बनाओ वीडियो, शौक से बनाओ, जिसको दिखाना हो दिखाओ जाके, कोई मेरा क्या कर लेगा। जिसके बाद इस मामले में वीडियो ये सोशल मीडिया पर जब तेजी से वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। इसके बाद मामले में जो बजरंग दल के नगर संयोजक हैं और बजरंग दल के अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, साथ ही सिदौली कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि जो युवक है जो राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहा है, उस पर बैठा हुआ है और मादक पदार्थ भी रखे हुए है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल इस मामले में तेजी दिखाते हुए जो सिदौली कोतवाली पुलिस है उसने अंकित रैदास पुत्र स्वर्गीय हरलाल गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की है। और फरमान, आपको बता दें कि ये वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और मामले में कई लोग इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने उनका जो गुस्सा है लोगों का फूटा था, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो भी आक्रोशित हुए थे, वो मौके पर गांव भी पहुंचे थे, हंगामा भी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने सिदौली पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, तहरीर दी, और तहरीर के बाद आपको बता दें कि जो आरोपी है अंकित रैदास उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, तो यह था पूरा मामला जो कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बीती 27 अगस्त को एक नशेड़ी युवक ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पैर रखकर खड़ा था और यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद सिदौली पुलिस ने सजगता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।